खतरा खतरा के सेट पर पहुंचकर दोनों भाइयों की इस जोड़ी ने खूब मस्ती की और अपना एक्सपीरियंस यूमियर टीवी के साथ शेयर किया। हम लोग एक्चुअली तो यहाँ हमारे एमबी म्यूजिक पे नए रोमांटिक सॉन्ग्स आ रहे हैं बैक टू बैक दो, उसको प्रमोट करने आए थे, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि इट्स गोना बी सो मच फन। इतना मजा तो मतलब हमने लास्ट कितने महीनों में ऐसी मस्ती करी नहीं है। जी हाँ, जिस तरीके का हमने गाना बनाया भी वेरी अनलाइक आर पार्टी सॉन्ग बेबी डॉल चिटिया के लाए हैं, हम लोगों ने गाना बनाया है आवारा शाम, जो कि बहुत रोमांटिक है। तो जिस तरीके का वो रोमांटिक गाना है, स्लो टेम्पो है, यहाँ जो इस सेट पे जो एनर्जी और जो टेम्पो था वो अलग ही था। हमारी म्यूजिक लैंग्वेज में टेम्पो कहते हैं स्पीड को, तो वो जो यहाँ एक मस्ती हुई, धमाल हुआ, हमारा जो एक मंडेन रूटीन होता है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ अ लाइफ, बिकॉज खतरा खतरा भी था और मस्ती भी थी, धमाल भी था, लाफ्टर भी था, लाफ्टर कीप्स मेकिंग यू लाफ, इट्स अमेजिंग। वैसे आज सेट पर पहुंचे मीत ब्रदर्स ने शो में किए अपने टास्क के बारे में भी हमें बताया। सूखे सूखे आए थे, गीले गीले जा रहे हैं, कुछ बचा नहीं है, यू हैव टू जस्ट गो एंड चेंज नाउ, इट्स वी आर ऑल वेट। मजा आ गया, पूरा एडवेंचरस हमारा एक था, जिसमें हम लोग बॉल की तरह ऐसे स्लाइड करते हुए गए और काफ़ी एडवेंचरस था, डेंजरस था हमारे लिए, कि हमने कभी ये सब कुछ करा नहीं है। बॉलिंग बहुत करी है, लेकिन ये नहीं कभी सोचा था लाइफ में कि हम ही बॉल बन जाएंगे और हमको अपने सिर से पिन जुड़ानी पड़ेंगी। सो इट्स डैम गुड फन। एंड यूजली म्यूजिक डायरेक्टर्स को बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि जाके आप खुद जाके ऐसे पार्टिसिपेट करो, सो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। फीलिंग तो बहुत अच्छी है, अभी 100 नहीं, अभी 1000 एपिसोड पूरे करने हैं हमें। होता है ना शादी के बाद फिर बच्चे की होती है टेंशन कि कब करना है ये वो, अभी शादी हो गई, 100 एपिसोड हो गए, मतलब अभी बेबी का प्लान करना है कि 1000 एपिसोड कब करें, और मुझे लगता है बहुत जल्द हो जाएंगे क्योंकि बच्चे इतना पसंद करते हैं हमारे शोज़ को। और जो भी नया सेलिब्रिटी आता, जैसे आज मीत ब्रदर्स आए थे, उनको बहुत मज़ा आया, वरना जैसा गीला होना मतलब उछलना कूदना होता है तो लोग डर जाते हैं, लेकिन जब आके करते हैं तो उनको बहुत फन लगता है। ये एक्चुअली इंस्पिरेशन हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बहुत टाइम, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं बहुत टाइम तक प्रिपेयर कर रहा था कि शो कैसा बनाए, क्या बनाए, ये तो शो अपने आप ही बन गया इतना अच्छा, बट हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ थे, तो हम लोग पुराने पुराने पिटारे में से कुछ ना कुछ आइडियाज़ निकालते हैं। ऑल्सो जब आप रोज़ एक ही चीज़ कर रहे हो, 24 घंटे हमको सिर्फ गेम सोचने, 24 घंटे हमको सिर्फ खतरा खतरा के बारे में सोचना है, तो उस दौरान आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी एक ही शो में लगती है। मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ, आज मैं जब सुबह उठी मैंने हर्ष को कितनी सारी पप्पियाँ दी, मैं कहा खतरा खतरा का शूट है, मतलब बहुत मज़ा आता है, ऐसे नहीं लगता कि बहुत थक रहे हैं ये वो हो रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक एक्साइटेड गेम होती है तो मुझे बहुत मज़ा आता है। हालांकि मैं बहुत अपने पैर की वजह से बहुत कम गेम्स करती हूँ, लेकिन जब करती हूँ तो मैं पूरा अपना टिका के करती हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आता है। और आप सब इतना प्यार दे रहे हो, जो जनता है और बच्चे इतना पसंद कर रहे हैं, कहते ना कि फैमिली में वो मेंबर पकड़ लो जिसकी सब मानते हैं, तो हमने बच्चे पकड़ लिए हैं, अब चाहे क्रिकेट लगाओ चाहे डेलीज हो, बच्चे बोलते हैं देखना ही देखना है, तो फिर खतरा खतरा देखते हैं।